सरकार का यूटर्न। सरकार ने खिलाड़ियों से जुड़ी अधिसूचना पर लगाई रोक। अधिकारियों को संबंधित फाइल दिखाने का दिया निर्देश। खिलाड़ियों के व्यवसायिक कमाई का 33% हिस्सा खेल परिषद में जमा कराने का जारी किया था सर्कुलर। खट्टर सरकार के सर्कुलर का राज्य के खिलाड़ियों ने कड़ा विरोध किया। पहलवान योगेश्वर दत्त ने इस फरमान को तुगलकी फरमान बताते हुए खेल को बढ़ावा देने में खेल विभाग के योगदान पर सवाल खड़े किए। जींद में जाट आरक्षण को लेकर बीजेपी विधायक प्रेमलता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जाटों को आरक्षण देने के लिए गंभीर है और केंद्र ऐसा कानून लाना चाहती है जिससे कोई भी आरक्षण में दखलंदाजी न कर सके। फतेहाबाद के रतिया थाना इलाके में रेप की वारदात सामने आई, जहां 11वीं की छात्रा से दो युवकों ने रेप किया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत अपराध का केस दर्ज किया। चरखी दादरी में सारंगपुर गांव के ग्रामीण पेयजल को लेकर तरसे, लोग परेशान। जिला उपायुक्त पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग की। सफेदों के सरकारी अस्पताल में गिरा पेड़, छाये में बैठे दो बच्चे दबने से हुए घायल। एक कार भी क्षतिग्रस्त, बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गयी। बस में सीट विवाद को लेकर पनपी रंजिश में, रोहतक जिले के मोखरा गांव में दिल्ली पुलिस के एएसआई के बेटे की हत्या। गुरुवार को आधी रात को समझौता करने के बहाने घर पर आए थे दो आरोपी। शोर मचाने पर हमलावर बाइक से हुए फरार। दरवाजा खुलते ही 24 वर्षीय मिलन पर दागी गई गोलियां, इलाज के दौरान तोड़ा दम। पुलिस मौके पर मौजूद, भाई ने भागकर बचाई अपनी जान। भिवानी एंटी थेफ्ट व्हीकल टीम ने हरिपुर पालुवास गांव के एक मकान पर की छापेमारी। अवैध रूप से चल रही थी शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। घटिया क्वालिटी की बनाई जाती थी अंग्रेजी शराब।